आज हम पढ़ेंगे थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को थीटा मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक थीटा ऐसा शेप बनता है, थीटा लाइक शेप, इसलिए इसको थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये जो मॉडल फॉलो होता है रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया में, और इसमें क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हेलिकेज एक्ट करता है और रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकॉन का फॉर्मेशन करता है। रेप्लिकॉन का फॉर्मेशन होने के बाद जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बाय डायरेक्शनली फॉलो होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में ऐसे रेप्लिकेशन होने लगता है। तो इस प्रोसेस में एक थीटा करके शेप बनता है, इस शेप को हम कहते हैं थीटा। तो इसके कारण इसका नाम पड़ गया थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या है, जब हमारे दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अलग हुए, अलग होने के बाद हर स्ट्रैंड जो होगा वो एज ए टेम्पलेट एक्ट करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, और इस तरह से बाई डायरेक्शनली रेप्लिकेशन प्रोसीड करेगा। जब ये बाई डायरेक्शनली रेप्लिकेशन प्रोसीड होगा तो इस जो बाकी का डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको अनवाइंड भी होना होगा। तो उसको अनवाइंड किया जाता है अराउंड द एक्सिस। इस अनवाइंडिंग में जो पीछे की तरफ टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि रस्सियों को जब आप खींच के अलग करेंगे तो यहाँ पे पीछे की तरफ टेंशन प्रोड्यूस होगा, वो हमारा रिलैक्सेशन का काम करता है टोपो आइसोमरीज एंजाइम। जब हमारा टर्मिनेशन होता है उस टाइम पे टर सीक्वेंसेस जो होते हैं वहाँ पे टस प्रोटीन बाइंड करता है और सिंगल डायरेक्शन में क्या करता है, रेप्लिकेशन को प्रोसीड करता है, और इस तरह से हमारे दो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये था हमारा थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम समझेंगे रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है ये मेनली वायरल डीएनए के रेप्लिकेशन में यू मॉडल फॉलो होता है। पहला वायरस है 5x174, दूसरा लैम्डा फेज, या फिर तीसरा है M13 फेज। इनके रेप्लिकेशन में रोलिंग सर्कल मॉडल यूज़ होता है। एक और है ई कोलाई का जो फैक्टर F है, जो कि कंजुगेशन में यूज़ होता है, उसके रेप्लिकेशन में भी हमारा रोलिंग सर्कल मॉडल फॉलो किया जाता है। जो ई कोलाई का फैक्टर F है वो कंजुगेशन के दौरान ट्रांसफ़र करता है डीएनए को डोनर से रेसिपिएंट में, उस समय पे रोलिंग सर्कल मॉडल फॉलो होता है। अब समझते हैं रोलिंग सर्कल मॉडल क्या है। जैसे कि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है दैट इज़ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले रोलिंग सर्कल मॉडल के अकॉर्डिंग जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओरिजिन साइट पे एक स्ट्रैंड में कट हो जाता है और 3' एंड और 5' एंड अवेलेबल हो जाता है फ्री। अब ये जो 5' एंड है, यहाँ पे पेरेंट डीएनए का जो 5' एंड है वो क्या करता है, अनवाइंड होता है, और अनवाइंड होने के बाद उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर लेते हैं, ताकि क्योंकि वो इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो ताकि वो वापस से अनीलिंग ना हो जाए, इसको स्टॉप करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है हमारे 5' एंड से बाइंड कर जाते हैं। इसको बाइंड करने के बाद जो फ्री 3' OH ग्रुप है वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ये बाकी एक बचे हुए डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करता है। अब इसके बाद ये जो 5' स्ट्रैंड है इसका क्या होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो हमारा 3' OH वाला ग्रुप था उसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड करेगा और लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा यूजिंग दिस सिंगल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। यहाँ से अनवाइंडिंग होती जाएगी और ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो निकलता जाएगा अब, और ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इस अब ये जो 5' एंड वाला डीएनए हमारा अलग हुआ था उसमें लैगिंग स्ट्रैंड की तरह से सिंथेसिस होगी डीएनए की और न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, जैसे आरएनए प्राइमर आके अटैच होगा और डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, न्यू डीएनए की सिंथेसिस करेगा
लैगिंग स्ट्रैंड में जैसे मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था, डीएनए की सिंथेसिस होती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, डिसकंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होता है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लीनियर डीएनए अलग हो रहा था वो भी न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स के लिए टेम्पलेट की तरह काम करेगा और डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे इनको ज्वाइन किया जाएगा यूजिंग एंजाइम लाइगेज। जब ये हमारा डीएनए यहाँ ओरिजिन तक पूरा ये न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंड अलग होके लीनियर फॉर्म में आ जाएगा और इसको भी डबल स्ट्रैंड कर दिया जाएगा यूजिंग लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, तब क्या होगा, स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को इस पॉइंट से सर्कुलर डीएनए से कट कर देंगी और जो हमारे पास लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके बाद बचेगा वो सर्कुलराइज हो जाएगा, मतलब सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। ये रोलिंग सर्कल मॉडल कहाँ पे यूज़ होता है मैंने आपको बताया था, ये यूज़ होता है इकोलाई के फैक्टर एफ के रेप्लिकेशन में जो कि कंजुगेशन में काम आता है, जिसमें कि ट्रांसफ़र होता है डीएनए का फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट और वायरल जो डीएनए है उसके रेप्लिकेशन में। कौन सा डीएनए है, 5X174 फेज लैम्डा और M13 फेज। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है रेप्लिकेशन चैप्टर का। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर रेप्लिकेशन के चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बट आप रिवीजन करना अपना कंटिन्यू रखिएगा।